हमारे पिछले वीडियो में हम जो है इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि एक और ग्रुप है लोगों का जो काफी ज्यादा हाशिए पे है हमारे समाज के अंदर, वो है आदिवासी लोग या जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो। ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं जंगलों पे या और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पे ताकि वो अपनी जो जीवन है उसको सही तरीके से चला सके। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको हमेशा एक तरह से धमकी का सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी रोजी रोटी को लेकर, क्योंकि जो प्रेशर है पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसका जो एक दबाव पड़ता है, तो उनको जो है क्या कहते हैं जमीन ढूंढनी पड़ती है, रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं ताकि वो अपने को तो जीवन चला सके। इसी तरीके से दबाव उन पे आता है जो कमर्शियल इंटरेस्ट का है, वो उन पे दबाव आते हैं कि वो जो है उन रिसोर्सेज को एक तरह से माइनिंग करना चाहते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर हैं, कोस्ट पे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। और सेम यही चीज़ जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री भी करती है। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी संघर्ष कर रही है इन समस्याओं के लिए कि कैसे जो है इन लोगों की रक्षा करी जा सके, उनके जो जहां वो लोग रहते हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो एक तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है इन तरह की चीज़ों का जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे कंट्री को कैसे बचाया जाए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब सिटीजन्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं, खाली ट्राइबल लोग ही नहीं। तो कोशिश करना और ये इंश्योर करना कि जो इक्वल राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब सिटीजन्स को मिलें, ये एक बहुत साधारण सी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, और एक ग्रुप की जो राइट्स हैं वो हो सकता है दूसरे ग्रुप की राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। अब इक्वल राइट्स जो होती है सिटीज़न की, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक तरह से यूनिफॉर्म पॉलिसीज जो हैं वो हर आदमी के ऊपर अप्लाई करी जाएंगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के ग्रुप्स के लोग हैं और उनकी ज़रूरतें अलग अलग की हैं। अगर खाली पर्पज़ ये नहीं होता कि सिर्फ पॉलिसीज बनानी है जो खाली एक तरीके से ही सब लोगों पर अप्लाई करी जाएँ, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि लोगों को बराबर लाना है, उनकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करना है, और साथ ही साथ जो लोग क्लेम कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है जब भी आप किसी पॉलिसी को बनाते हैं। हम कहते हैं हमारा इंडिया जो है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है कि उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके की कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह की बननी चाहिए जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, बजाय खाली सिर्फ पॉलिसी बना दी जाए और वो एक ही तरीके से सब पे लागू हो जाए, क्योंकि हर एक की नीड अलग है, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग है। तो ये जो हमारा डिस्कशन था इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो चेंजेस हैं चाहे वर्ल्ड की सिचुएशन में हो, इकनॉमी में है या सोसाइटी में हो, ये सब डिमांड कर रहे हैं एक नए तरीके की व्याख्या, एक नए तरीके का मीनिंग सिटीजनशिप की राइट्स को लेकर। जो पहले की लॉस थी सिटीजनशिप को लेकर वो खाली स्टार्टिंग पॉइंट बनाती हैं, और जो उन लॉस की व्याख्या थी वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके जो आंसर्स हैं वो इतने आसान नहीं है ढूंढने, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, इसका मतलब हुआ कि इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन जो है सारे सिटीजन्स को मिलना चाहिए, और ये जो है सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ऑफिशियल फिगर्स जो पब्लिश करी गई थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जिम्बाब्वे के अंदर, वो लगभग 4,400 वाइट फैमिलीज थी और जिनके पास 32% जो है एग्रीकल्चरल लैंड थी, यानी कि लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर की। लगभग 1 मिलियन ब्लैक जो पीजेंट फैमिलीज थी उनके पास सिर्फ 16 मिलियन हेक्टर्स था, यानी कि 38% जो है लैंड का था। अब जहां लैंड जो है वो वाइट फैमिलीज के साथ थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, इरिगेटेड थी, वहीं जो ब्लैक लोगों के हाथ में लैंड थी वो कम फर्टाइल थी, कम इरिगेटेड थी। तो अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें लैंड ओनरशिप की, तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि एक सदी पहले तक जो वाइट्स हैं उन्होंने सारी फर्टाइल लैंड जो है वहाँ के नेटिव लोगों के हाथ में से ले ली थी। अब वाइट्स जो हैं वो जिम्बाब्वे में हैं कई पीढ़ियों से और अपने आप को एक तरह से जिम्बाब्वियंस ही मानने लग गए हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वाइट्स की जिम्बाब्वे के अंदर वो खाली 0.06% है पॉपुलेशन की। 1997 में जो प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के मुगाबे,
उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ प्लान्स जो हैं वो अब एक तरह से टेक ओवर कर लेंगे 1500 फार्म्स को। अब यहाँ जो है जो सिटीजनशिप है उससे क्या आइडिया निकलता है कि कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करी जाए कि जो सपोर्ट भी करे अपोज भी करे जो क्लेम्स हैं ब्लैक और वाइट सिटीजन्स के जिम्बाब्वे के अंदर। 5.43 से काट देना, उसके आगे अब पढ़ रहे हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिटीजन एंड नेशन। जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, ये मॉडर्न पीरियड में इवॉल्व हुआ। जो शुरू के अजर्शन थे सोवरेनिटी को लेकर नेशन स्टेट की या डेमोक्रेटिक राइट्स टू सिटीजन्स की थी, ये एक्चुअल में रिवॉल्यूशनरीज द्वारा बनाई गई फ्रांस के 1789 में। नेशन स्टेट्स जो हैं ये क्लेम करते थे कि जो बाउंड्रीज हैं वो खाली उनकी टेरिटरी को ही नहीं, उनका जो क्षेत्र है उसी को नहीं दिखाती हैं, बल्कि साथ ही साथ वो बताती हैं कि उनका एक यूनिक कल्चर है और उनकी जो शेयर्ड हिस्ट्री है। जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंबल्स के थ्रू, जैसे कि फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल लैंग्वेज हो गई, या कुछ और ऐसी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस हैं जो करी जाती हैं। जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उसमें जो लोग शामिल हैं वो अलग अलग रिलीजन के, लैंग्वेज के या कल्चरल ट्रेडिशन के शामिल होते हैं, पर जो नेशनल आइडेंटिटी होती है डेमोक्रेटिक स्टेट की, वो एक्सपेक्ट करी जाती है कि वो अपने सिटीजन्स को एक ऐसी पॉलिटिकल पहचान दे जो कि सब के सब जो मेंबर्स हैं स्टेट के उसको शेयर कर सकें। डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं जनरली कोशिश करते हैं कि वो जो पहचान है वो इस तरह से डिफाइन करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके, यानी कि सारे के जो सिटीजन्स हैं वो जो हैं अपने आप को पहचान करवा सके कि वो भी नेशन का एक हिस्सा है। पर प्रैक्टिस में क्या होता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी पहचान इस तरह से डिफाइन करती हैं कि बहुत इजी हो जाए कुछ सिटीजन्स के लिए कि वो पहचान करवा सकें स्टेट के साथ बजाय किसी और के। साथ ही साथ ये इजी करा जाता है स्टेट के लिए कि वो जो है सिटीजनशिप एक्सटेंड भी कर सकती है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाए कि वो अपने आप पे गर्व महसूस करती है कि वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं। फ्रांस ऐसी कंट्री है जो क्लेम करती है कि वो सेकुलर भी है और इंक्लूसिव भी। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो जो है अपने अंदर और चीज़ों को भी समा सकती है, जैसे कि अब उसके अंदर जो लोग हैं वो खाली यूरोपियन ओरिजिन के ही नहीं हैं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो कई अलग अलग एरिया से आए हैं, जैसे नॉर्थ अफ्रीका। कल्चर और लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी नेशनल आइडेंटिटी के लिए, और जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो समझें जो उनकी एक लाइफ है उसमें जिस तरह से उनका एक रोल है एज अ पब्लिक का, उसमें उनको समझना चाहिए ये चीज़। अपने प्राइवेट लाइफ में वो अपने जो पर्सनल बिलीव्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। कहने में ये बहुत एक रीजनेबल सी पॉलिसी लगती है, लेकिन ये इतनी सरल नहीं है ये डिफाइन करना कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, और इसी वजह से कई बार कंट्रोवर्सी भी उठ जाती है। रिलीजियस बिलीव जो है वो ये माना जाता है कि ये प्राइवेट स्फीयर में आती है सिटीजन्स की, पर कई बार जो रिलीजियस सिम्बल्स होते हैं या जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये पब्लिक लाइफ में भी एंटर कर जाती हैं। आपने सुना होगा कि एक सिख स्कूल की डिमांड जो है, जो बॉयज़ हैं उनके लिए डिमांड करी गई थी फ्रांस में कि वो जो हैं जो उनका टर्बन होता है यानी जो उनकी पगड़ी होती है वो उस पहनकर स्कूल आ सकते हैं, या जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो एक हेड स्काफ पहन कर आएँ अपने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। पर इसको जो है कुछ स्कूलों द्वारा मना कर दिया गया कि इससे क्या होगा कि एक रिलीजियस सिंबल जो है वो दिखाई देगा कि आप जो है स्कूल में पहन के आ रहे हैं, और ये जो है एजुकेशन का जो पब्लिक स्फीयर है उसमें नहीं आता। मतलब क्या है कि अगर आप स्कूल में अपने अपने कल्चर को पहन करके, इनकी पहचान को पहन करके जाएंगे तो पब्लिकली आप जो है एक तरह से अलग ही बिल्कुल आइडेंटिफाई होंगे, तो इससे आपका रिलीजन जो है साफ साफ झलकेगा। अब कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को डिमांड नहीं करते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये जो एक समझ है नेशनल कल्चर को लेकर, ये काफ़ी आसान हो जाती है कुछ ग्रुप्स के लिए और कुछ ग्रुप्स के लिए नहीं। अब जो क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप देने का जो नए लोग आते हैं उनके लिए, वो भी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे इज़राइल हो गई, जर्मनी हो गई, उनमें जो फैक्टर्स हैं जैसे रिलीजन है या आप जिस ओरिजिन को बिलोंग करते हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है जब सिटीजनशिप उनको मिलती है। जर्मनी के अंदर एक डिमांड उठ रही है तुर्किश वर्कर्स की तरफ से, जो एक समय जिनको एनकरेज किया जाता था कि तुम आओ और जर्मनी में काम करो,
और उनके जो बच्चे जो कि पैदा हुए वहीं पर जर्मनी में पढ़े हुए उनको जो है एक्चुअल में सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिल जानी चाहिए। ये आज भी इस पर बहस हो रही है। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को लेके जो सिटीजनशिप के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो जो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करवाती हैं कि वो जो है समावेशी हैं। अब इंडिया के अंदर क्या है, वो अपने आप को डिफाइन करता है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। जो मूवमेंट हुआ था इंडिपेंडेंस का वो काफ़ी ब्रॉड था और पूरी तरह से कोशिश करी जा रही थी कि जितने भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग एरिया के या कल्चर के लोग हैं उनको जो है एक साथ जोड़ा जा सके। मानते हैं कि पार्टीशन जो है कंट्री का हुआ 1947 में, जब जो डिफरेंसेस थे मुस्लिम लीग के साथ उनको पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन इससे क्या हुआ, एक तरह से मजबूती मिली कि इंडियन नेशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने अपना सेकुलर और जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था इंडियन नेशनल स्टेट का उसको जो है एक तरह से बना दिया। इससे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ला दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर अटेम्प्ट करता है कि वो जो है एक डाइवर्स सोसाइटी को अपने अंदर शामिल कर सके। अब अगर हम कुछ डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो वो जो है उनको फुल और इक्वल मेम्बरशिप देता है उन ग्रुप्स को। अब जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि उसकी पूरी तरह से कोशिश रहती है कि वो फुल और इक्वल मैम सिटीजनशिप दे उन लोगों को जो बिल्कुल ही जैसे डिस्कार्डेड होते हैं, या शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, या बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिनको पहले कभी इक्वल राइट्स नहीं मिली, या कुछ ऐसी बिल्कुल रिमोट कम्युनिटीज़ हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत कम कॉन्टैक्ट में आती हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। कोशिश क्या रहती है कि एक जगह बना सके अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, रिलीजन्स के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए जो हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में होती हैं, उसको जो है इक्वल राइट्स प्रोवाइड करानी है सबके लिए। साथ ही साथ लोगों को जो है फोर्स नहीं करना है कि वो अपने पर्सनल बिलीव्स, लैंग्वेजेस या जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दें। इसीलिए एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है जिसको कि क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया था। जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली के अंदर वो एक तरह से दर्शाती है एक ऐसी कोशिश स्टेट की कि सारे लोग जो अलग अलग रीजन, कल्चर या रिलीजन के हैं वो उसमें शामिल हो सकें। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजनशिप को लेकर जो प्रोविजन है वो मिल सकता है पार्ट 3 और जो लॉज बनाई गई पार्लियामेंट के द्वारा उसके थ्रू, या जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा लॉज पास करी गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक ऐसा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव मोशन जो है वो अडॉप्ट किया है सिटीजनशिप को लेकर। जैसे इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर करी जा सकती है बर्थ के बेसिस पे, आप किस ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इंक्लूजन टेरिटरी के अंदर, इनको लेकर आपको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। जो भी राइट्स हैं या जो ऑब्लिगेशंस हैं एक सिटीजन होने के नाते, ये सब जो है लिस्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक और प्रोविजन है कि जो स्टेट है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा सिटीजन्स के बीच में किन ग्राउंड्स को लेकर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई भी। जो राइट्स है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की उनको भी जो है एक तरह से सुरक्षित किया गया है। पर ये जो इस तरीके के प्रोविजन्स, जो इस तरह से समावेश प्रोविजन्स जो हैं, इससे कई बार जो है संघर्ष और कॉन्ट्रोवर्सीज दोनों ही उठ खड़े होते हैं। जो वुमेन्स मूवमेंट था, दलित मूवमेंट था या जो स्ट्रगल्स था उन लोगों के द्वारा जो कि प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की वजह से हटा दिए गए, वो जो है कुछ ही स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं जो उन लोगों के द्वारा किए गए जो लोग ये मानते थे कि उनकी जो एक फुल अधिकार है सिटीजनशिप को लेकर वो पूरी तरीके से नहीं दिए गए हैं। तो जो भी अनुभव है इंडिया का वो ये बताता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप किसी भी कंट्री में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। नए मुद्दे जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं समाज के अंदर, जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है नई डिमांड्स खड़ी हो जाती हैं उन लोगों के ग्रुप्स के द्वारा जो उनको, जिनको ऐसा लगता है कि उनको एक साथ जो है उतना ज़्यादा समान जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह की डिमांड्स का एक तरह से नेगोशिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सिटीजनशिप, वो हम करेंगे अगले वीडियो में।